यहाँ पे ये दोनों, ये है तीखी लेनी यहाँ पे और ये चौथी, और ये ब्रह्म लिपि में हम आते हैं हो इसे एक अष्टकोणी वहाँ पे अपने वाहनों पर बैठे हुए हैं। चारों ओर से सेम डिजाइन यहाँ पे बनाई गई है, आप चारों ओर से घूम के देखते हैं यह हाथी और उसके ऊपर नर नारी बैठी हुई आपको दिखाई देती है। अष्टकोणी यह स्तंभ है, बहुत ही सुंदर है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से जो अंदर मार्ग दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पे लिखा गया है, यो ब्रह्मलिपि में यही लिखा गया है कि ये किस व्यक्ति ने यहाँ पे दान दिया था। अगर हम भीतर आते हैं तो यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का सामान रखा गया है। बाजू के ही जो रूम है, जो सेल्स है, उसमें हम भीतर आते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बैठने की जो शेना या सोने के लिए जो आसन होता है या बैठने के लिए, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक सामने भी उसी प्रकार का ही एक यहाँ पे सेल या मेडिटेशन या रेस्ट रूम आप कह सकते हो यहाँ पे बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको ये चक्र दिखाई देता है, पिंपल आकृति, और बाजू से ये सुंदर ऐसा नक्शिकला यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जब स्तूप के अंदर आप जाते हो तो आंखें बंद देखते ही रह जाती है। देख सकते हो कि अंदर की ओर पूरा अंधेरा यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश वहाँ पे है, उसका रीज़न क्या है तो आप देख सकते हो। ऊपर ये जो गैप है, ये जो पिंपल आकृति है, इससे जो है सनलाइट अंदर जाता है, सूर्य प्रकाश अंदर जाता है और अंदर के स्तूप में ये डायरेक्टली फोकस करता है। यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हो, यहाँ से अंधेरा दिख रहा है। जैसे हम भीतर चल देते हैं, देखिए ये जो सनलाइट, देखिए आप जो सनलाइट इफेक्ट है, सूर्य किरण की इफेक्ट है, किस प्रकार से यहाँ पे स्तूप के ऊपर दिखाई देती है, ये देखिए। यहाँ पे हम जो स्तूप है, स्तूप के पास आए हैं, टोटली यहाँ से ऊपर की ओर से देखते हैं तो डायरेक्ट जो सूर्य प्रकाश है इस ओर आता है, और यहाँ पे आवाज भी बहुत ज़्यादा इको होता है, क्योंकि इसका रीज़न था कि जो भी बाहर जो श्रोतागण हो या श्रमणेर हो, भिक्षु हो, वो वहाँ पे बाहर रुकते थे, तो यहाँ की जो चैंटिंग की आवाज़ था वो बाहर जाना चाहिए, इसलिए ये चैत्यगृह में इस प्रकार का जो है इकोसिस्टम बनाया गया है। आप सुन सकते हो, अगर मैं चैंटिंग करता हूँ यहाँ पे तो तुरंत आपको समझ में आएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं